हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम लोग देख लेंगे कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या होगा, मतलब उसके न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेंगे, ये कोई सपोज करो न्यूक्लियस है किसी एटम का, इसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ एटम। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे ये बातें आप लोग याद रख लेना। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल न्यूट्रल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये तीन बातें अभी आप याद रखो, आगे चल के इसका यूज आएगा अभी। ठीक है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितना क्या होगा प्रोटॉन्स होगा उतना ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जितना जितना क्या होगा प्रोटॉन्स होगा न्यूक्लियस में, उतना ही क्या होगा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर सेल्स में। ठीक है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो रहा है, तो एटम पे चार्ज कितना आएगा आप बताओ। अगर यहाँ पे देख लो एक एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास है फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। ठीक है, अब ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ आप लोग, एटॉमिक नंबर इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो यहां पे हो जाएगा, हम लोग देख लेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो अगर मान लो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 दिया हुआ है, 9 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 9 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एक साइड में हम एग्जाम्पल आपको देके बता दे रहे हैं।
ये एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कोई दूसरा, जिससे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। मान लो हम ले रहे हैं मैग्नीशियम 12, ठीक है, मैग्नीशियम 12 है, तो ये क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। इसके बाहर जो सेल होंगे, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसके बाहर जो सेल होंगे वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा? 12 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो 12, ठीक है। तो अगर एटॉमिक नंबर हमें पता है तो उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फाइंड कर सकते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहीं पे बोलेगा आपको कि एटम प्रूव दैट द एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज ऑन एटम, नो चार्ज ऑन एटम, नो चार्ज ऑन एटम, ठीक है। मतलब कि एटम पे क्या होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब देखो न्यूट्रल कैसे होता है। अभी हम मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेके देखें आप लोग, मैग्नीशियम, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 12 है, ठीक है। हमें पता है कि प्रोटॉन्स पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस 12 हो जाएगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज 12 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होता है, हमें पता है निगेटिव चार्ज होता है। तो टोटल निगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा, ठीक है। तो नेट चार्ज ऑन एटम क्या हो जाएगा? नेट चार्ज ऑन एटम, ठीक है, क्या हो जाएगा? +12 और -12 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो नेट चार्ज ऑन एटम क्या होता है? हमेशा ही 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एटम में इक्वल होते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी एटम पे उतना ही क्या होता है? निगेटिवली चार्ज भी होता है। तो नेट चार्ज क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में कि एटम न्यूट्रल का होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो आप, यहाँ पे मास नंबर, ये देखो कोई सिंबल मैग्नीशियम का ही हम एग्जांपल ले ले रहे हैं, मैग्नीशियम 12 और 24। तो ये जो लिखा हुआ है नीचे के साइड में, ये क्या एटॉमिक नंबर है? एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर है। और यहाँ जो ऊपर अपर साइड में लिखा हुआ है, ये मास नंबर। अब देखो एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन,
मास नंबर का मतलब ये समझो कि उस एटम का मास कितना होगा, किसी भी एटम का मास कितना है वो क्या बोलेगा, उसको मास नंबर बोला जाएगा। मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ द एटम। ठीक है, हाँ, तो मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। अगर डिफिनेशन आपको बोलना होगा तो बोलोगे द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ द एटम। ठीक है, मास नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। अब देखो ये हो है मास नंबर इक्वल टू किसके हो जाएगा, मास नंबर इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हो जाएगा एक फार्मूला मेन, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल, एटॉमिक नंबर के इक्वल, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। इस फार्मूले में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मास नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, मास नंबर को यम और एन से रिप्रेजेंट करें, मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो ये भी एक फार्मूला आ जाएगा, मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आपको न्यूमेरिकल्स में देखना है कि हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया मास नंबर से रिलेटेड फार्मूला, अब हम इसी से क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला हो जाएगा मास नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा फॉर्मूला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर को किसे रिप्लेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एक और फार्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये भी एक फार्मूला हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक को एग्जाम्पल ले लेंगे हम, मैग्नीशियम का ही हम लेते हैं क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 और 24। तो यहाँ पे देखो मास नंबर क्या हो जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है वो मास नंबर हो जाएगा, मास नंबर इक्वल टू 24। ठीक है, और देखो एटॉमिक नंबर इक्वल टू, एटॉमिक नंबर इक्वल टू, एटॉमिक नंबर इक्वल टू कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, अब यहां से आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको बताने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है। तो हमें ऊपर फार्मूला हम देख चुके हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर, नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मास नंबर कितना है, 24 है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया एटॉमिक नंबर फाइंड करना, मास नंबर फाइंड करना और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करना। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहीं पे, इसी का, इसी से रिलेटेड।
है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास, पोटेशियम का, ठीक है। पोटेशियम 19 और 39, ठीक है। अब देखो यहां पे मास नंबर कितना हो जाएगा, मास नंबर इक्वल टू 39, ठीक है। और एटॉमिक नंबर इक्वल टू 19, ठीक है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू 19, तो यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला। मास नंबर इक्वल टू 39, एटॉमिक नंबर इक्वल टू 19, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 20, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 20 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको बताने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, तो क्या लिखोगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर के इक्वल। एटॉमिक नंबर कितना है 19, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। यह है कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम। एक और हम लोग देख लेते हैं इसी टाइप का न्यूमेरिकल्स, ठीक है। साइड में ये आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। एक और हम लोग देख लेते हैं इसी टाइप का न्यूमेरिकल्स। देखो अब हम एग्जांपल ले लेंगे, यहां पे क्लोरीन सेवेंटीन और 35, ठीक है। तो यहां पे मास नंबर कितना हो जाएगा, मास नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर कितना है 35। एटॉमिक नंबर इक्वल टू कितना होगा 17, ठीक है। अब देखो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करने हैं, यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो क्या करोगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर इक्वल टू 35, एटॉमिक नंबर इक्वल टू 17, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 18 हो जाएगा, ठीक है 18। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको बताने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू 17, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा 17। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसी में बताने हैं आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने किसके होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, ये किसके होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। ये हो गया कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। अब हम लोग इसी में देखेंगे, इसका कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे और हम फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे इस टॉपिक में आगे, ठीक है। तो अब आप लोग हमें लग रहा है बता पाओगे कि एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितना होगा, मास नंबर की वैल्यू कितना होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले
हम ये टॉपिक था कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये है न्यूक्लियस, ये क्या है इसके बाहर? ये है सेल, ये है सेल, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है सेल, ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। जो भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा उसी की टोटल वैल्यू क्या बोली जाएगी? उसी को मास नंबर बोला जाएगा। मास नंबर इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ एटम, ठीक है। ये हो गया कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। अब देखो इसमें किस टाइप का न्यूमेरिकल देता है आप लोगों को। रिलेशनशिप बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर में रिलेशन क्या होता है ये आपको बताने हैं। तो देखो यहाँ पे मास नंबर को आपको बताएगा, मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ए से, मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ए से, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जेड से, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को पी से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को पी से, प्रोटॉन्स पी, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन, न्यूट्रॉन एन से, स्मॉल एन, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई से, ई, ठीक है, स्मॉल ई। तो यहां पे हम फार्मूला बनाएंगे मास नंबर का, तो क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू जेड जेड प्लस एन हो जाएगा, होगा ये फार्मूला, ए इक्वल टू जेड प्लस एन हो जाएगा। अब मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन है? मास नंबर का ए को रिप्रेजेंट से कर ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेड एटॉमिक नंबर से, और प्रोटॉन्स को पी से, न्यूट्रॉन को एन से, और इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो अगर हमें इस फार्मूले में जेड को रिप्लेस करना है तो ए इक्वल टू जेड के जगह पे क्या हो जाएगा? पी प्लस एन हो जाएगा, ठीक है, पी प्लस एन हो जाएगा। अगर इससे भी हमें हटाना है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी को किससे रिप्लेस कर देंगे? ई से, ई से, ई प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। तो ढेर सारे हमारे पास फार्मूले हैं। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है।